हेलो एवरीवन, दिस इज़ अलीशा महाजन फ्रॉम द बर्निंग लर्निंग डिज़ायर एंड आज हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी की कुछ टर्म्स जो कि है सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम। ये आपने वर्ड सारे सुने तो होंगे और आपको लग रहा होगा यार ये तो ईजी है, लेकिन आपको इन सब में डिफरेंस नहीं पता। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपोजियम एंड वर्कशॉप, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंसेज, सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स एंड सबमिट, सेमिनार्स एंड वेबिनार, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। तो आज हम हर एक टॉपिक के की पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमारा है सिंपोजियम। सिंपोजियम वो कॉन्फ्रेंस और मीटिंग होती है जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे डील करती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम डिसाइड की जाती है, उस पर एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए और इस पर क्या करना चाहिए। और इसमें नंबर ऑफ़ डेलीगेट्स जो देने वाले होते हैं वो भी कम होते हैं और कॉन्फ्रेंस भी स्मॉल होती है। इट मींस जो ऑडियंस होती है वो भी इसमें कम होती है। लास्ट में इसमें क्वेश्चन आंसर राउंड कंडक्ट किए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा वर्कशॉप। जब भी वर्ड वर्कशॉप आए तो आपने दो चीज़ें माइंड में सेट करनी है, थियोरी प्लस प्रैक्टिकल। तो वर्कशॉप्स होती हैं उसमें वो पहले आपको थियोरेटिकल डेफिनेशन समझाते हैं, जैसे कि हमारा IIM की वर्कशॉप लगी थी 2 डेज़ की और उसमें 8 घंटे एक दिन वर्कशॉप लगाई थी। तो उन्होंने हमें सब इंटरनेट से रिलेटेड और कैसे वीडियोस बनानी है यूट्यूब पे और कैसे हम मोनेटाइज उसको कर सकते हैं, इस सब पे वो किया और कैसे पैसे कमाते हैं थ्रू इंटरनेट, उस सब पे जब उन्होंने वर्कशॉप लगाई तो उन्होंने पहले हमें टर्म्स बताई कि क्या होता है इंटरनेट से रिगार्डिंग, हम कैसे वो लेते हैं। तो उन टर्म्स का अगर पहले हमें मीनिंग नहीं क्लियर होगा तो हम उन्हें प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। तो इसलिए वर्कशॉप पे वो थ्योरी भी बताते हैं और प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं और वो हमें भी बोलते हैं कि आप भी अपने लैपटॉप्स खोलो और इस प्रैक्टिकल को करो। तो जब इस प्रैक्टिकल को किया जाता है, दिस इज़ ओनली एन एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन ही प्रैक्टिकल, इन द सेंस कि कुछ अगर कुकरी में प्रैक्टिस है तो वो उसकी हो सकता है आपको केक बनाना पड़े उस टाइम पे। तो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो इसमें क्या है, जब उन्होंने हमने फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें प्रैक्टिकल करते हुए जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो जो हम फेस करेंगे, वो हम उनसे ऑन द स्पॉट पूछ लेंगे और वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे उसी टाइम। सो वर्कशॉप का यही बेनिफिट है, ये उसी टाइम हम उसको जब प्रैक्टिस में लाते हैं तो हम अपनी क्वेरीज उसी टाइम पूछ लेते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये वेरी अच्छी चीज़, ये सबसे अच्छी चीज़ है वर्कशॉप की, जिसमें हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं। तो हम इन उन टॉपिक्स के बारे में इसमें वर्कशॉप्स लगती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। अगर जिस टॉपिक के बारे में हमें पता है हम उसकी वर्कशॉप लगाएंगे तो दैट वुड बी वेस्टेड ऑफ टाइम। सो इसमें हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो ये हमें काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद आती है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस जो होती है इसमें 1000 से भी ज़्यादा लोग प्रेजेंट होते हैं, एक्सपर्ट्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं क्योंकि इतने लोगों को, इतनी ऑडियंस को उन्होंने अट्रैक्ट करना है और अपनी डेलीगेट करनी है अपने व्यू पॉइंट। तो उस वजह से एक्सपर्ट अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं तो वो भी काफ़ी अमाउंट में होते हैं। तो इसमें न्यू थिंग्स हमें बताई जाती है जो हमें नहीं पता है, फॉर एग्जांपल किसी इन्वेंशन के बारे में बता दिया। और ये नेशनल भी होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, तो नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते हैं, लाइक UGC से रिगार्डिंग भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। तो कॉन्फ्रेंसेस में काफ़ी एजुकेटेड लोग भी इंक्लूडेड होते हैं और स्टूडेंट्स भी इसमें आ सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखना है कि इसमें 1000 से भी ज़्यादा लोग प्रेजेंट होते हैं, दिस इज़ अ मेन पॉइंट अंडर दिस। एंड इस ये नेशनल भी होती है, इंटरनेशनल, ये सेकेंड इसका की पॉइंट है। इसके बाद आते हैं समिट्स। समिट्स क्या होते हैं, जब भी वर्ड समिट आए तो आपने देखना है ये समिट्स कौन अटेंड करते हैं। वी जनरल पीपल डोंट अटेंड इट, या इसको कौन अटेंड करते हैं, लाइक लीडर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए और प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट, ये सब लोग इन समिट्स को अटेंड करते हैं। सो इसमें एक्सपर्ट्स ही इन्वाइटेड होते हैं, लाइक अगर पॉलिटिक्स के बारे में है तो सारे पॉलिटिशियंस आ गए और डॉक्टर्स के बारे में तो सारे डॉक्टर्स आ गए, मतलब उन फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होंगे। जनरल पब्लिक, जनरल ऑडियंस इसमें नहीं बुलाई जाती है। सो इसमें लीडर्स और एक्सपर्टाइज को टुगेदर किया जाता है। उसके बाद आता है सेमिनार्स। सेमिनार्स जो होते हैं वो जनरली 1-1.5 घंटे के होते हैं और इसमें क्या किया जाता है, इसमें ज़रूरी नहीं एक्सपर्ट्स हो ही हों, देयर मे बी एक्सपर्ट्स और देयर मे बी नॉट।
इफ देयर आर एक्सपर्ट्स दिल डिलीवर लेक्चर ऑन इट और सेमिनार ऑन इट, और अगर वो नहीं भी है तो जिसके पास ऑडियंस से ज़्यादा नॉलेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल GST का टॉपिक है उस पर सेमिनार देना है, तो हमारे टैक्स के सर इस पर दे सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छे से उसको सर्च कर लिया है तो दे कैन गिव अस सेमिनार ऑन इट। तो इसमें हमने क्या देखा है कि ये ग्रुप डिस्कशन की तरह होता है, इसमें एक्सपर्ट्स की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये आधे घंटे से लेकर 1.5-2 घंटे तक ही होता है, लास्ट रहता है, तो इसका ड्यूरेशन सबसे कम होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और हमारी वर्कशॉप्स का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो गए हमारे सेमिनार्स। उसके बाद है वेबिनार्स। वेबिनार्स आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि वेब मीन्स इंटरनेट, ठीक है, वाया फ़ोन और इंटरनेट हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी एंड में भी इसके थ्रू भी क्वेश्चन आंसर्स राउंड होते हैं जो आपको ऑन द स्पॉट डिलीवर करनी होते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दीज स्टेटमेंट्स। और इसके अलावा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कंपनीज ही वो करवाती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कंपनी ने काफ़ी रिक्रूटमेंट करी है, काफ़ी लोग सेलेक्ट कर लिए हैं किसी से, सपोज कॉलेज से ही कर लिए हैं, तो वो उनको ट्रेनिंग देंगे ना, तो उस ड्यूरेशन को, कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है या 4 मंथ्स की होती है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ये हमें बहुत प्रोत्साहन देती है कि हम और वीडियोस बनाएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच।